दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट पजल्स और पहेलियां लेकर आए हैं। अगर आप वाकई स्मार्ट हैं, तो इन पजल्स का सही सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर देकर बताएं। और साथ ही मैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के न्यू पजल्स लाते रहते हैं। जी चलिए हम पहले पजल की तरफ चलते हैं। इसमें आपको एक जैसी दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इस फोटो में आपको कोई दो डिफरेंस ढूंढने हैं। तो आपका टाइप स्टार्ट होता है नाउ। जी फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर हमें दे दिया है तो आप वाकई में इंटेलिजेंट है, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए हैं तो इसका आंसर है ये, देखिए कितना आसान था। इसमें आपको मुर्गी की आईज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि मुर्गी की आईज ब्लैक कलर की है और सेकंड में थोड़ा सा व्हाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है। उसी तरह जो मुर्गी का छोटा सा बेबी है यानी कि चूजा है, उसकी टेल दिखाई दे रही है और सेकंड में टेल नहीं दिखाई दे रही। चलिए अब हम दूसरी पजल की तरफ चलते हैं। इसमें आपको गैस करना है एक मूवी में। हमारी दूसरी पहेली में आप देख सकते हैं तीन इमोजेस दिखाई दे रही हैं। इन इमोजेस की मदद से आप लेटेस्ट मूवी का नाम आपको गैस करना है। तो ये बहुत ही आसान है और ये मूवी बहुत ही हिट हुई थी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अरे इस मूवी का नाम तो बहुत ही आसान था। अगर आपने जवाब दे दिया है तो आप वाकई में ही स्मार्ट हैं। अगर आप नहीं दे पाए तो आप देख सकते हैं इसका आंसर मनी करने का है। पहले में इमोजी में मनी दिखाई दे रही है यानी कि मनी, और सेकंड में कार यानी कि कर, और तीसरे में आप देख सकते हैं कि शादीशुदा वेडिंग कपल यानी कि निकाह करते हुए कपल है, तो यानी कि निकाह, मनी कर निकाह। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी पहेली की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है। तो आप जल्द से जल्द हमें जवाब दीजिए कि उत्तर क्या है। जी फ्रेंड्स, जल्दी जवाब दीजिए, ये बहुत ही आसान था। परंतु अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो मैं आपको बताती हूँ, उत्तर एक दिशा है। और अगर आपने इसका आंसर हमें दे दिया था यानी कि आपका माइंड बहुत ही शार्प है। तो आगे भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग पहेलियाँ लेकर आ रहे हैं, आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगली पहेली में हम लेकर आए हैं दो एक जैसी पिक्चर्स हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ही डिफरेंट है, आपको वो डिफरेंट ढूंढना है। तो जल्द से जल्द आप हमें वो डिफरेंस बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। जी फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छे, और अगर आप नहीं दे पाए तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में जो हार्ट है वो पूरी तरह से फिल नहीं है, यानी कि रेड कलर से फिल नहीं है, उसमें व्हाइट रिफ्लेक्शन है, जबकि सेकंड में रेड कलर से पूरी तरह से फिल है। चलिए जो अब अगला हमारा क्वेश्चन है यानी कि अगली जो पहेली है वो एक दिमागी कसरत है, और इससे हमें पता चलेगा कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। तो हमारी पहेली ये है कि 39 रुपये किलो तो 4 किलो का कितना होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो आप बहुत ही शानदार खेल रहे हैं, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका सही जवाब है यह है, आप देख सकते हैं 39 × 4 यानी कि 156, 156। तो इसका सही जवाब 156 है। तो चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं। अगली पहेली हमारी एक दिमागी कसरत है। जी यहाँ पे आपको इमोजी दी गई है बहुत सारी, इनमें से कोई दो इमोजी एक जैसी है। तो आप हमें जल्द से जल्द बताएं कि कौन सी इमोजी सेम है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स आपने इसका जवाब दे दिया है, और अगर आप नहीं दे पाए हैं तो आप देख सकते हैं इसका जवाब कितना ही आसान था। इसका आंसर है ये, देखिए ये इमोजी दोनों सेम है। अब हम अगली पहेली की तरफ चलते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही डिफरेंट है जो दोनों पिक्चर्स में शो हो रहा है। तो आपको हमें गैस करके जल्द से जल्द बताना है कि क्या डिफरेंट है दोनों पिक्चर्स में। अगर
आपने डिफरेंट ढूंढ लिया है तो आप पॉकेट में ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। इसमें आप टेडीज की आई को देख सकते हैं, जो पहले में टेडी बियर है उसकी आई पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, जबकि दूसरे में जो टेडी बियर है उसकी आई पूरी तरह से ब्लैक है। तो हम अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। इसमें भी दो पिक्चर्स दिखाई दी हैं, जिनमें सिर्फ एक ही डिफरेंट है जो आपको पता करना है, यानी कि ढूंढ कर दिखाना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी फ्रेंड, बहुत अच्छे, आपने बहुत जल्दी गैस कर लिया। और अगर आप गैस नहीं कर पाए तो हम आपको बताते हैं, इसका आंसर है ये आउल, यानी कि उल्लू। आप देख सकते हैं इसमें जो उल्लू की जो मुंह दिखाई दे रहा है, यानी कि जो चोंच दिखाई दे रही है, पहली पिक्चर में दिखाई दे रही है और सेकंड में नहीं दिखाई दे रही। तो अगर आपने इस सब पहेलियों का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है और सब पहेलियों का सही आंसर दिया है, तो आप बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पहेलियां लाते रहेंगे और आपका मन बहलाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इस मनोरंजन की दुनिया को जारी रखें।